बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों का रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, 11वां रोज़ा है आज। और आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी चिकन आलू कोरमा रेसिपी शेयर करूँगी, और साथ ही आज चिकन पकोड़ा और एग पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्याज का कद्दूकस कर लिया है, यानी कि उसका पेस्ट बना लिया है, और थोम अदरक और टमाटर्स, और साथ ही मैंने ये आलू ले लिया है, और साथ ही मैंने चिकन भी निकाल लिया है, और चिकन कोरमा भी मसाला मैंने निकाल लिया है। ये देखें, ये मैं प्याज का पेस्ट बना रही हूँ, उसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी, और ये देखें मैंने इनके पेस्ट बना लिए हैं। साथ ही मैंने सुर्ख मिर्च और चिकन कोरमा मसाला और थोड़ी सी हल्दी और साथ ही आलू और दूसरा चिकन और प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने बना के रख दिया है। ये आज मैं आप लोगों के साथ अपनी चिकन आलू कोरमा रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखें, मैंने कढ़ाई ले ली है, साथ ही दूसरी साइड पे ये तमाम चीज़ें साथ रख दी हैं, और 2 चम्मच मैंने तेल के डाले हैं कढ़ाई में। अब इसमें मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी, ये देखिए मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इनको अच्छी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और साथ ही नमक डाल दूँगी, और थोड़े से खुश्क जो धनिया होता है उसको यानी कि ग्राइंड करके या पीस के ना, वो भी थोड़ा सा हल्का सा पहले डाल दूँगी कि थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है चिकन को जैसे भुनाई करने के बाद। ये देखें मैंने चिकन भी ऐड अब कर दिया है, क्योंकि वो प्याज जो है ना ब्राउन हो गए थे, और अब मैंने चिकन ऐड किया है। इसमें मैंने साथ ही नमक ऐड कर दिया है, और इनको अब अच्छी तरीके से मैं भुनाई करूँगी। उसके बाद फिर चिकन कोरमा मसाला डालूँगी, सुर्ख मसाला डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर रही हूँ, अब ये थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गया है, यानी कि इसके बाद फिर मैं जो है ना दूसरे मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने अब इसमें टमाटर, सुर्ख मिर्च और चिकन कोरमा मसाला डाला है। अब इस अच्छी तरीके से मैं इनको भूनूंगी, बिल्कुल तेल अब ये देखें निकल आया है। अब इसमें बस 1/2 कप मैं पानी डालूँगी, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी जो है ना चिकन जो है ना गल जाए, उसके बाद फिर जो मैं आलू डालूँगी, उसके बाद फिर मैं 2 कप पानी डालूँगी। अब ये देखें भुनाई मेरी हो गई है, अब मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं, और इसमें मैं अच्छी तरीके से अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करने के बाद अब इसमें 2 कप पानी डाल दूँगी, 2 या 2.5 कप। ये देखिए, ये मेरा चिकन आलू कोरमा मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान शरीफ में मैं तमाम वो चीज़ें आसान रेसिपी यूज़ करती हूँ। अब इसके बाद जो है ना मैं एग्स पकोड़ा और चिकन पकोड़ा आज बनाने जा रही हूँ, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 अंडे लिए हैं, उबलने के लिए मैंने ठहरा दिए हैं, और साथ ही मैंने चिकन के पीसेस को भी उबलने के लिए ठहरा दिया है। मैं जो है ना आज चिकन पकोड़ा, ये देखिए जी, इसके साथ मैंने चिकन को भी उबलने के लिए ठहरा दे। इसमें जो है ना नमक ऐड करना पड़ता है, थोड़ा सा मसाला ऐड करना पड़ता है, सूखे दाने ऐड करने पड़ते हैं, और थोड़ी सी रेड चिली जो
होती है सेबत, वो ऐड करनी पड़ती है, यानी कि इसमें अच्छी तरीके से इसकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो। साथ ही मैंने पकौड़ों वाला आटा ले लिया है, अब मैं इसको पानी डाल के ना बनाऊंगी और इसमें वो तमाम चीज़ें ऐड करूंगी। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब दूसरी चीज़ें मैं इसमें सूखा धनिया और रेड चिली सेब जो है वो क्रश की हुई वो ऐड करूंगी, यानी कि रेड चिली क्रश की हुई ऐड करूंगी। ये देखिए, और रेड चिली यानी कि सेबो जो होती है वो भी ऐड करूँ। ये मेरे अंडे बन चुके हैं और मैंने काट के इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, यानी कि पीसेस करके एक एग्स के दो पीस कर लें या तीन पीस कर लें, क्योंकि इस दफ़ा मैंने बड़े बनाए हैं तो फिर मैं इसके दो पीसेस किए हैं, एक अंडे के दो दो पीसेस करके तो मैं डालें। और साथ ही अब चिकन को भी अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आज मैं चिकन पकौड़ा और एग्स पकौड़ा पकौड़े बना रही हूँ इफ्तारी के लिए। ये देखिए, मैंने चिकन के पीसेस भी बना के उसमें ऐड कर दिए हैं और एग्स भी ऐड कर दिए हैं। अभी इनको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाले भी सारे मैंने डाल दिए थे, अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दूंगी। इसके बाद जो है ना, मैंने फिर रूह अफ़ज़ा वाली नींबू वाली शरबत बनानी है। ये देखिए, मैंने चीनी ऐड कर दी है पानी में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसमें रूह अफ़ज़ा और जो नींबू है वो फिर काट के डालूंगी। ये साथ ही मेरे टीपू ठहरा हुआ है, ये साथ मैंने ये देखिए बना दी है रूह अफ़ज़ा नींबू वाली शरबत। टीपू साथ ही मेरे ठहरा हुआ था, बार बार लिम उठा रहा था, कह रहा था तो मुझे दो। ये देखा, मैं कुछ थोड़ी सी फारिक बैठी हुई थी तो टीपू भी आराम से बैठ के अपनी चेयर पे कार्टून देख रहा था और साथ ही मैं इधर बैठ के फ्रूट चाट बना रही थी। मैंने कहा तुम आराम से बैठे रहो तो फिर मैं आराम से यहाँ बैठ के फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो फिर मैंने नीचे दस्तरखान बिछा के, सुफरा बिछा के फिर मैंने फ्रूट चाट बनाया है। ये सामने मेरे टीपू बैठा हुआ है, इस तरह आराम नहीं करता, सारा वक्त इधर उधर भागता रहता है। तो फिर मैंने मोबाइल इसके हाथ में दिया है जो आराम से ये कार्टून देखता रहे, तो फिर मैं इधर आराम से फ्रूट चाट बनाती रहूं। इसके बाद फिर मैं सुफरा बिछा के, क्योंकि टाइम होने वाला था, ये देखिए सुफरा बिछा के तो मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठी करके रख दी हैं। और ये देखें, ये दही के साथ आपने आलू खा रहा था, आज आलू नहीं खाया, खाली दही जो मैंने रायता बनाया था काली मिर्चों वाला, ये वो खा रहा है। सारे कपड़े इसने जब दही खाई है तो आखिर में सारे कपड़े इसने अपने ख़राब किए कर लिए थे, सारे दही जो है ना अपनी शर्ट पे लगा ली थी, अपने बाजू पे लगा ली थी। उसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े भी फिर चेंज करूंगी। मैंने कहा अच्छा, ये तसल्ली से अभी खा ले। तो फिर आज मेरी चिकन कोरमा आलू, चिकन आलू कोरमा था इफ्तियारी में, और साथ ही एग्स और चिकन पकोड़े थे, और साथ ही शरबत रूह अफ़ज़ा वाली शरबत बनाई थी, और साथ ही काली मिर्चों वाला रायता बनाया था, और साथ ही रोटी थी। तो आज ये तमाम चीज़ें इफ्तारी में मैंने रखी थी, क्योंकि आज दो तीन दिन का वक्फा किया था तो पकौड़ों का, तो आज ज़रा पकौड़े अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, ये शरबत रखी हुई है और साथ ही पकोड़े और अल कबीर वाले जो हमने समोसे लिए थे और रोल लिए थे वो भी तले हैं हमने। साथ ही ये सालन था, ये फ्रूट चाट था, साथ ही रहता था काली मिर्चों वाला, क्योंकि मैं चेंजिंग करके ज़रूर बना लेती हूँ। इस तरह से फिर और चीज़ें अच्छी नहीं लगती एक ही तरह की, तो चेंजिंग करके रखी जाए तैयारी में तो फिर चीज़ें अच्छी लगती हैं और दिल भी करता है खाने को, वरना तो इंसान उकता जाता है कि एक ही चीज़ खाने को। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद
आएगी तो ज़रूर ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जो आप सब लोगों को कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे, मज़ीद इबादत करने की तौफीक अता फरमाए हम सब लोगों को। जी दुआओं में ज़रूर ही याद रखिएगा और ज़रूर ही मेरे चैनल को लाइक्स कमेंट्स कीजिएगा, जितनी हो सके शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।